हमको शिव बाबा ने इस वर्ष में होमवर्क दिया था, हम भी तो स्टडी कर रहे हैं ना। तो होमवर्क क्या दिया कि न दुख देना न दुख लेना, ये होमवर्क दिया। और बाबा फिर बीच बीच में हम अपने जहाँ क्लासेस कराते हैं ना, रेगुलर क्लास चलते हैं, रेगुलर स्टूडेंट आते हैं, तो उन्हों से हम पूछते हैं कि ये सप्ताह बीता, इस सप्ताह में आपने दुख दिया या लिया? तो हमने देखा रिजल्ट में, देते तो कभी कभी है लेकिन लेते बहुत जल्दी। मानो किसने आपको दुख दिया, देने वाला रंग तो है लेकिन लेने वाला कौन? क्या देने वाला और लेने वाला एक होता है? दो होता है। तो देने वाले ने दिया, आपकी इंसल्ट की, आपको थोड़ा झूठ बोल दिया, है नहीं लेकिन बोल दिया आपको। देने वाले कौन? मैं ना, मैं लूं या नहीं लूं वो मेरे ऊपर है ना। अभी मैं आपको कोई फल ऐसा दूं गला हुआ, तो आप लो या नहीं लो वो आपके ऊपर है ना। आप फेंक दो या मेरे को वापस कर दो वो मेरे ऊपर है ना। ऐसे मानो आपको कोई दुख देता है। देने वाले की बात छोड़ो, उसको तो हम ठीक करेंगे, लेकिन आपने लिया क्यों? गलती तो हमारी है ना। और लेने वाला ज्यादा परेशान होता है या देने वाला? लेने वाला। देने वाला तो अपना गुबार निकाल के जाके ठंडी हवा में सो जाएगा, खाली हो गए। और लेने वाला मास तक परेशान होता रहेगा। तो लेते क्यों है हम? लेने से क्या होता है? जो कुछ बात हो चुकी ना, जो उसने कहा वो ही दिल में चलता रहता है। ये क्यों कहा, ये कैसे कहा, है कौन, ये कब तक करेगा, ये सब फालतू तो संकल्प का दरवाजा खुल जाता है। तो ले नहीं। तो बाबा ने कहा आधा दुख तो दूर करो, जो आप खुद रेस्पॉन्सिबल हो लेने के वो लेना तो छोड़ो, तो आधा दुख तो दूर हो जाएगा ना। लेना, देने वाला देता है लेकिन मैं लूं नहीं, तो आधा दुख तो दूर हो जाएगा। तो ले क्यों?